हेलो मित्रों, ब्रेकआउट स्टॉक में आज एक और स्टॉक का नाम है वोल्टास लिमिटेड। तो आज भी ये पार्ट टू हो गया, तरीके से देखा जाए तो ये कल जो मैंने कल भी हिंडाल को सिखाया था आपको, आज मैं वोल्टास सिखाऊंगा, साथ में बताऊंगा भी कि सीखो और पैसे कैसे बनाने हैं। स्टॉक तो है ही ब्रेकआउट वाला ही, ठीक है, और आपको सिखाऊंगा भी कि आप स्टॉक कैसे ले सकते हैं, ठीक है, और कैसे बनता है स्टॉक मार्केट में पैसा, ये भी तरीका पता लग जाएगा आपको कि आप स्टॉक लेना सीख जाओगे, अब लर्निंग हो जाएगी आपकी और साथ में पैसे का पैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चार्ट जो मैंने एक वीक का लगा रखा है, ठीक, तो मार्केट जो है इसका अभी जो है क्लोज, अभी जो मार्केट चल रहा है वो 770 पे चल रहा है इसका, ठीक है। आज शायद डाउन मूव आ रखा है शेयर में। तो शुरू करते हैं, मैं शुरू करूँगा पहले ऊपर, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा फॉर्मेशन दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मेशन दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है डबल टॉप फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म बना हुआ है आपका डबल टॉप। अब डबल टॉप वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये रेड कैंडल की वीक और ये ग्रीन कैंडल की वीक, ठीक है, ये है डबल टॉप, इसको बोलते हैं डबल टॉप, कि दो कैंडलों की वीक जो है ऊपर रही, ठीक है। फॉर्मेशन मैं पूरा लिखा यहाँ पे, फिर आगे जो होगा देखूंगा, अगर होगा जगह जगह पे होगा तो मैं कम पूरा लिखूँगा। डबल टॉप फॉर्मेशन, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी, यहाँ देख सकते हो आप नीचे की साइड देखोगे तो क्या है, ये सपोर्ट बना, पर क्या है सपोर्ट के साथ, ये मैं यहाँ पे सपोर्ट भी लिख दूंगा, और सपोर्ट भी है और क्या है साथ में, आपके सपोर्ट तो है ही, साथ में क्या है, ये लैक लाइन बोलते हैं इसको हम, नेगनेट से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विक देखने को मिल रही होगी। अब कितनी विक देख सकते हैं आप, यहाँ विक बहुत सारी विक आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक विक है यहाँ पे, जो मार्केट को जो है सपोर्ट कर रही थी बार बार कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड ना जाए, ठीक है। मार्केट कोशिश थी कि वो डाउनवर्ड ना जाके एक अपने लेवल पर ही रहे, और मार्केट कोशिश कर रही थी बचाने की जो है नीचे ना गिरे, क्योंकि अगली कैंडल जो मैं रेड कैंडल दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जो कैंडल है इसने क्या किया, इसने किया ब्रेकडाउन को मैं लिख रहा हूँ बीडी, ठीक है, बीडी इसने क्या कर दिया, सुबह बीडी, और मार्केट क्या हुआ, जो एक सपोर्ट था उसका, उसने इसको ब्रेक कर दिया और मार्केट डाउन मूव चलने लग गया अच्छी कैंडल के साथ। और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि यहाँ पहले रिस्ट्रिक्शन भी था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रिस्ट्रिक्शन भी है, मैं ये कहूँगा ये रिस्ट्रिक्शन था जो इन दो हरी ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेक किया था। हाँ, बहुत मेजर बोल सकते हैं क्योंकि वीकली में है तो मेजर थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट तो रहा होगा थोड़ा सा, तो क्योंकि अगर वीकली में है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, क्या अगर देखोगे आप यहाँ पे तो अच्छा खासा एक जो है रुका है मार्केट, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक। अब इसी के नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा इस लाइन पे, मैं इस पे बना दूँ, ये है मार्केट का एक और सपोर्ट, ठीक है, ये मार्केट का एक और सपोर्ट है जो आफ्टर सम टाइम बिकम क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन बन गया, ठीक है ना, सपोर्ट टर्न रिस्ट्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे तो लिख दूँगा सपोर्ट, ठीक है, जो टर्न हुआ, क्या टर्न हुआ, जो बना बिकम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बन गया, या टर्न बिकम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कुछ भी एक आप बोल सकते हो, कुछ एक बन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट, अब मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, ये मैं ऊपर लिखता हूँ रिस्ट्रिक्शन, जो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऊपर लिख दिया मैंने, क्योंकि ट्रेंड लाइन लेनी है मुझे, एक ट्रेंड लाइन लूँगा यहाँ से, मैं डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ से देख सकते हो आप, एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये जो है डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है एक अच्छी, जो मार्केट को रिस्ट्रिक्शन दिखा रही है, फॉल रिस्ट्रिक्शन है मार्केट का, देख सकते हैं आप, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन फॉल है और मार्केट जो है डाउन साइड चलती चली गई, मार्केट जो है नीचे चलती चली गई, अच्छा रिस्ट्रिक्शन है ये तरीका उधर देखने की, हाँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्शन बन गया, मार्केट यहाँ से एक डाउन डिस्ट्रिक्शन में है, फॉल डिस्ट्रिक्शन है, डाउन ही फॉल डिस्ट्रिक्शन है, मार्केट नीचे चलती चली गई। अब आता है एक, मैं यहाँ पे दिखा दूँ एक आपको एक अच्छा मेजर सपोर्ट, जो मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, वो जो है ये वाली, यहाँ से आप देखोगे अगर इन तीन कैंडलों से, ठीक है, ये वाला मेजर सपोर्ट है, ये है मार्केट का मेजर सपोर्ट,
मेजर सपोर्ट, ठीक है, ये है मार्केट का मेजर सपोर्ट। इफ एनी केस इट विल ब्रेक देन मार्केट गो डाउन स्टेट मे बी इन 700 और मोर देन लेस देन 700, ठीक है। अगर ये टूटता है वो कहाँ पे है मार्केट का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वो है 745, ये है मार्केट का एक सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, ठीक है, जिसके साथ में लिख दिए, मैं ग्रीन से ही लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, इसके साथ में ही 45 की मेजर सपोर्ट है इसका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये सब हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँगा थोड़ी सी आपको कि लेना कैसे है और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या है, लेना और टारगेट क्या है, ठीक है। आपको इतनी समझ आ गई, डबल टॉप फॉर्मेशन था यहाँ पे देखा हमने, फिर रिस्ट्रिक्शन देखा, रिस्ट्रिक्शन बिकम सपोर्ट देखा, वो नेकलाइन में बदला, नेकलाइन मतलब एक मार्केट को उस रेंज में रखना, उसके नेक बना देना मार्केट का, ठीक है ना, एक नेक साइड तो दिख रहा होगा कि नेक बनी हुई है मार्केट की, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, फिर एक सपोर्ट जो था जो ट्रेंड बिकम रिस्ट्रिक्शन हो गया, सपोर्ट बिकम रिस्ट्रिक्शन बना, बाद में जो घूम मतलब एक तरीके से बाद में जो रिस्ट्रिक्शन बन गया उस वक्त फिर मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया, रिस्ट्रिक्शन जो है डाउनफॉल एक डाउनफॉल में रिस्ट्रिक्शन बनते चला गया, अभी जो चल रहा है नीचे की तरफ चल रहा है फिर इसका, और एक मैंने आपको बता दिया कि मेजर रिस्ट्रिक्शन क्या था मार्केट का, तो मेजर रिस्ट्रिक्शन क्या है वो है आपका, ये था आपका मेजर रिस्ट्रिक्शन 745 का। अब पहला अगर लेना कब है, लेना है मार्केट जब क्या क्रॉस कर दे, मार्केट जब क्रॉस करे, यहाँ से आपको दिखता आ रहा होगा इन दो कैंडलों से, ठीक है, ये जो है एक तरीका रिस्ट्रिक्शन सपोर्ट है ये है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ एंट्री पॉइंट है तो मैं ब्लू नीले कलर से ब्लू कलर से इसको दिखा देता हूँ, ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ आपको एंट्री करनी का अबव 800 व्हेन मार्केट क्लोज मोर देन 3 डेज व्हेन स्टॉक क्लोज मोर देन 3 डेज कहाँ अबव 800 देन टेक एंट्री, ठीक है, एंट्री कहाँ बनानी है 800 पे, मैं इस वाले 800 को 800 पे एंट्री बनानी है, ठीक है, 800 पे आपको एंट्री बनानी है, उससे पहले एंट्री नहीं बनानी है। और सेम वैसे ही इस किसका है, सेम है इसमें स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस क्या है आपका, व्हेन द मार्केट व्हेन द स्टॉक क्लोज मोर देन 3 डेज बिलो 745 देन टेक एग्जिट, ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है मोर देन 3 डेज यहाँ बिलो की जगह आपका हो जाएगा और अबव की जगह बिलो हो जाएगा और प्राइस की जगह 745 हो जाएगा देन टेक और एंट्री या एग्जिट हो जाएगा, बस आपको इतना चेंज करना है, आप कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, इतना ही चेंज करना है आपको और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। मार्केट 700 नीचे 700 के नीचे क्लोज कर गया तो आपको एग्जिट बनानी, SL क्या है, SL है 745, ये SL है, एंट्री क्या है 800 के ऊपर, ये एंट्री हो गया, ये हो गया SL। अब टारगेट की बारी आती है, तो टारगेट क्या है मार्केट के, टारगेट के दो तरीके देखेंगे यहाँ यहाँ पे, ठीक है, दो टारगेट बन रहे हैं यहाँ पे आपके, वो दो टारगेट हैं, पहला टारगेट है एक तो ये कि मैंने आपको एक चीज़ छोड़ दी बताना, पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी उसको, मिस की अगर जिन्होंने मिस किया तो बता देना मुझे कमेंट में, इसमें एक फॉर्मेशन और बन रहा था, वो फॉर्मेशन था मैं लिख देता हूँ, वो भी वो फॉर्मेशन था आपका ट्रिपल टॉप का, ये जो है 3 कैंडल ये है ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन, ठीक है, ये जो मिस किया मैंने, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बना था इसमें, अब ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन एक तो ये, अब ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन मतलब एक तरह रिस्ट्रिक्शन हो गया ये भी, ठीक है, मार्केट का रिस्ट्रिक्शन है ये भी, ये वो नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया मैंने ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल टॉप है कौन से, एक ये वाली कैंडल है, ये वाली और ये वाली, 3 ट्रिपल टॉप में है, ठीक है, ट्रिपल टॉप है और ये पहला टारगेट होगा जो तकरीबन आपको ये टारगेट मैं ब्लैक में लिख देता हूँ, टारगेट फर्स्ट है 1050 का
और जो ये जो है रिस्ट्रिक्शन है आपका, ये रिस्ट्रिक्शन और सपोर्ट दोनों ही जो हैं आपके, वो तकरीबन टारगेट 2 होगा अगर टारगेट 1 हिट होता है और जो बैठ पाते, जिनको पता है कि हम वो बैठने पे सक्षम है इतना और होल्ड कर पाएंगे, तो 1150 का 1150 का दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो टारगेट हो गए, टारगेट 2 हो गए। लेने का तरीका कैसा हो गया? लेने का तरीका है 800 के ऊपर बाय करना है मार्केट इस शेयर को, उससे पहले नहीं लेना है। और स्टॉप लॉस हो गया 745, अगर 3 दिन से ज़्यादा क्लोज, 3 दिन से ज़्यादा क्लोज देते नीचे मार्केट 745 के, तो आपको एग्जिट करनी है, इससे नहीं रुकना है। और आपने आज सीखा क्या कि आज जो है डबल टॉप फॉर्मेशन देखा और ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखा। ठीक है, ये कैसे बनता है, और नेक लाइन, नेक लाइन बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में जज करना कि नेक लाइन कहाँ बन रही है मार्केट की। ठीक है, अगर ये पता है आपको नेक लाइन बन रही है या फिर रिस्ट्रिक्शन का बन रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन का बन रहा है, तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। एक तो ये होगा मेजर सपोर्ट भी देख लिया आपने कि मेजर सपोर्ट कौन सा था, ये लॉन्ग टर्म के सपोर्ट होते हैं, जो मार्केट के पुराने सपोर्ट होते हैं उन्हीं को मार्केट रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है, जो भी कर भी रही है आपने देखा भी मार्केट ने यहाँ पे किया भी है, अपना लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया भी है अभी मार्केट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा और साथ में पैसे बनाने के लिए आपको एक स्टॉक भी मिल गया। ठीक है, ऐसे और भी स्टॉक के लिए और फर्दर निफ्टी की जानकारी के लिए और चार्ट पैटर्न के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।